औरंगाबाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद जो है फुरखलूस यानी ईद उल फितर की मैं फुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ईद है 1400 साल में भी कभी ऐसे हालात हमको देखने को नहीं मिले जो पूरे दुनिया के अंदर में पूरे आलम के अंदर में सब लोग इसके शिकार हैं, हम भी शिकार हैं। हम जब मस्जिदों की तरफ देखते हैं तो ताला नज़र आता है, हमारे बड़े भाई बच्चे नौजवानों की तरफ देखते तो मायूसी नज़र आती है, माँ बहनों की तरफ देखते हैं तो मायूसी नज़र आती है। ये सब हालात ये कोरोना के चलते हुए पूरे दुनिया के अंदर में आए, इसमें हर समाज का आदमी इफ़ेक्ट हुआ है और उसका नुकसान सबको हुआ है। तो इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिरादरान ने वतन और बिरादरान ने मिल्लत दोनों को ईद की इन पूरी मुश्किलों के बावजूद भी हम जिस तरह की ईद मना रहे हैं, मैं सबको दिल की गहराई से ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। कि आपका जो सवाल है कि आज की जो ईद है हमने गरीबों के साथ साझा करने का प्लान बनाया है, आज की ईद गरीबों के साथ, ये हम एक महीने से जो हमारा खाने का प्रोग्राम चल रहा है उससे जो शहर का डाटा हमारे पास आया है भाई कहाँ पर कितने लोगों के पास खाने का इंतज़ाम है और कहाँ नहीं है, ये सब डाटा हमारे पास आया है। औरंगाबाद के तमाम महलों के अंदर, बैजीपुरा है, हरसुल है, तुम्हारे हरसुल के आसपास का इलाका है, इधर चिगलठाने का हिना नगर है, इधर जो है आसिफिया कॉलोनी है, जो झोपड़पट्टी और ग़रीब इलाके हैं वो शहर के तमाम इलाके हैं, चाहे पैटर्न गेट के उधर का इलाका हो, उस्मानपुरे का इलाका हो, जयउद्दीन नगर है, जहाँ जहाँ भी हमारे को अंदाज़ा हो गया, मालूम हो गया है कि भाई ये बस्तियों में अपने को इस तरह का माहौल करना है, वो तरीके से हमने उसका प्लान बनाया है। बिरादरान इस्लाम को मैं सबसे पहले ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। मैं कॉर्पोरेटर सैयद मतीन माजी नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और खुसूसी जो है तो मेरे पार्टी के आला अहदेदारान आली जनाब शरद पवार साहब, आली जनाब अजीत दादा पवार साहब, सुप्रिया ताई, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब और हमारे सिटी प्रेसिडेंट विजू साड़वे साहब, कार्याध्यक्ष अभिदेश देशमुख साहब और मेरे कायद अब्दुल खदीर मौलाना इन और मेरे महल्ले वालों की जानिब से तमाम दिल की तमाम गहराइयों से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूं। और खुसूसी ऐलान ये किया जाता है कि हमने जो है तो 25,000 लोगों का औरंगाबाद शहर में मेरे कायद अब्दुल खदीर मौलाना की जानिब से खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि गरीबों के घर में ईद के ये आज मसले मसाइल जो चल रहे हैं उसके चलते मौलाना की ख्वाहिश थी कि हर घर कोई घर छूटे ना, तो हमारे वॉलेंटियर जो है तो घर घर पर के वार्डों में जो है तो ये खाना तकसीम कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं दिल की गहराइयों से ईद की खुलूस मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।